सीएम हेमंत ने कंपनियों में झारखंडी युवाओं को 75% रोजगार दिलाने को लेकर झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 का पालन सुनिश्चित कराते उन्हें झारखंड में संचालित हो रही कंपनियों में नौकरियां दिलाई जाएंगी। देखिए, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर रखा था। संजोग से इसका एक वेब पोर्टल की कमी थी, जहाँ से मॉनिटरिंग में जो दिक्कतें हो रही थी उसको और बेहतर किया जा सके। और अब जो यहाँ पर 75% लोगों को रोजगार कंपनियों में मिले, जो इसकी बात थी, उस कार्य को करने में और उसको मजबूती मिलेगी। देखिए, किरण, जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखी को पुलिस ने बारड़ स्थित मर्सी अस्पताल से गिरफ्तार किया है। गुरमीत सिंह मुखी पर पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो फरार चल रहे थे। पुलिस को खबर मिली थी कि जमशेदपुर के मर्सी अस्पताल में मुखी यहाँ वेश और नाम बदलकर इलाज करा रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखी को गिरफ्तार किया है।